हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक टेस्टी एवरीडे। सो आज मैं आपको अंडा करी की रेसिपी बनाना बताऊंगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ये मैंने कुकर चढ़ा दिया है, इस पर 5 टेबल बड़े स्पून मैंने ऑयल डाल लिया है। और ये यहाँ पे अंडे में हम एक टूथ पिक्स की सहायता से इसमें छेद कर रहे हैं ताकि ये अंडे ऑयल में जाते वक्त फटे ना। ऑयल पर जाने के बाद अब मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी और यहाँ पर ऐड करूँगी देगी मिर्च, आधा चम्मच हल्दी आधा चम्मच देगी मिर्च। अब मैं इसमें अंडे डालूंगी फ्राई होने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक एक करके मैंने अंडे डालने शुरू कर दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एक एक करके इसमें अंडे डाल रही हूँ। इन्हें फ्राई होने में लगभग 5 से 7 मिनट लगेंगे और इन्हें किसी विदाउट एनी स्पून मैं इसे ऐसे हिला हिला के फ्राई करूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है चम्मच या लगाने पे ये फट जाते हैं। तो 5-7 मिनट में हमारे अंडे फ्राई हो चुके हैं, वो मैंने अब प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसी ऑयल में हम अपना अब हम इसे फ्राई करेंगे इसी ऑयल में। तो आप वीडियो में बने रहिए। देखिए ये है, ये लहसुन अदरक और मिर्च का मैंने पेस्ट तैयार किया है, चॉप किया है। तीनों चीज़ एक ही में चॉप कर रखी हैं। तो पहले हम इसमें तेज़पत्ता डालेंगे, साबुत लाल मिर्च डालेंगे और 10-15 सेकेंड बाद जब ये थोड़ी सी हल्की सी फ्राई हो जाएंगी तब हम इसमें लहसुन अदरक और मिर्च का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट नहीं, मैंने चॉप कर रखा है वो। तो अब हम इसे ऑयल में डाल देंगे। अब कुछ समय के लिए हम इसे चलाएंगे। ये सब हमें लो फ्लेम पे करना है क्योंकि हाई फ्लेम पे ये जो भी हम इसमें इन्ग्रीडियंट डालते हैं वो जल जाते हैं। तो लो फ्लेम पर अगर आप करेंगे तो ये हल्के पक भी जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये प्याज मैंने अब हमने इसमें प्याज ऐड कर दिया है। अब हम इसको भूनेंगे लगभग 10 मिनट तक। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा प्याज भूनने में, इसे हमें अच्छी तरीके से गला लेना है। तो अब देखते रहिए, ये देखिए प्याज का रंग, प्याज में हल्का हल्का पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो हम इसे चलाते रहना ताकि ये नीचे तले में लगे ना। अगर ये लग जाएगा तो इसमें थोड़ा जला जला टेस्ट आएगा, इसे जलने ना दें। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। इस मसाले में 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच गर्म मसाला था। ये सारे मसालों को मिक्स करके मैंने इसे पानी डाल के रख दिया था थोड़ी देर के लिए। फिर अब ये घोल मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें थोड़ा और पानी ऐड करूँगी और फिर इन मसालों को अच्छी तरीके से पकाऊंगी जब तक इसमें से ऑयल ना आ जाए। तो आप इनको ये सारा प्रोसेस हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। हम इसे अच्छे से पकाएंगे अभी भी जब तक ये पूरा ऑयल अच्छे से ऊपर ना आ जाए, और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये मसाला तले में लगे ना। अगर ये लग जाएगा तो जला टेस्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑयल पूरी तरीके से ऊपर आ चुका है। अब मैं अकॉर्डिंग टू ग्रेवी इसमें पानी ऐड करूँगी। जितनी थिक ग्रेवी आपको चाहिए आप उतना पानी ऐड करें। तो मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए थी इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। अब मैं इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाल दूँगी। सो मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है। अब मैं इस नमक को मिक्स करके इसमें अंडे डाल दूँगी सारे। और ये सारे अंडे डालने के बाद हमें कम से कम 10 मिनट इसको पकाना है लो फ्लेम पर। तो देखिए मैंने इसमें सारे अंडे डाल दिए हैं। तो देखिए ये पक चुका है, आप देख सकते हैं भाप की वजह से थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, पर देख लीजिए मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छा दिखाऊं। अब मैं इसमें धनिया डाल दूँगी गार्निशिंग के लिए। गार्निशिंग के लिए नहीं, मतलब धनिया तो डालती हैं, तो मैंने इसमें अपना धनिया ऐड कर दिया है, हरा धनिया। अब मैं इसमें इसको आपको सर्व कटोरी में सर्व करके भी दिखाऊंगी। तो अब डाल के धनिया हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा तेज़ ना चलाएं वरना अंडे फूट जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे इतनी जल्दी तो नहीं फूटते, तो इसे हल्का हल्का चला लें। देख लीजिए आप, ये मैंने इसे कटोरी में सर्व कर दिया। देख लीजिए इसका कलर अच्छा आया हुआ है। तो आपको और रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी देती रहूँगी। सो इट इज़ माय फाइनल लुक टू माय अंडा करी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।